समर एक्सपेरिमेंट। हेलो फ्रेंड्स, मैं समर एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो बनाएंगे व्हील एलईडी या व्हील लाइट भी कहते थे इसे। तो उसके लिए दोस्तों हमें तीन सेल चाहिएंगे। रेस्ट वॉच जो है आपकी जो हाथ की कलाई होती है उसके हमने तीन सेल, क्योंकि वो छोटे सेल होते हैं और आसानी से लग जाते हैं। 5 mm की मैंने 8 GB एलईडी यूज़ की है फ्रेंड्स, और ये मैंने आपको सोल्डिंग दिखा रहा हूँ, ये नेगेटिव पॉइंट है सेल का, ठीक है, नेगेटिव पॉइंट। और बाकी जो बॉडी है वो पॉजिटिव होती है सेल की। और दोस्तों ये मैंने नेगेटिव पार्ट जो है, जो नेगेटिव पॉइंट है एलईडी का, उन्हें नेगेटिव में कनेक्ट कर दिया है, यानी कि इतने समय भी कनेक्ट हो चुका है सेल। फ्रेंड जब आप इसे बना लोगे ना, जब इसे रोड पर चलोगे रात को, तो इतना मस्त लगता है ना कि लोग आपको घूम घूम में देंगे, पलट पलट के बंदे ने क्या बनाया है, क्योंकि सिस्टम चलती है ना तो ऐसा लगता है बिल्कुल अंदर से बिल्कुल अजय। मैं आपको दिखा दूंगा लाइव, तो आप देख लेगा। एक नंबर की मैंने फाइबर सेल में यूज़ की है, जिससे कि दोस्तों इससे टच नहीं होए, क्योंकि मुझे तीन सेल लगाने हैं, इसमें तीन बैटरी लगानी है, तो बिल्कुल लास्ट वाले से कनेक्ट करना है, क्योंकि पूरा वार्ड में होता है इसमें पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए इस तरीके से हमारा काम कर रहा है, ठीक है। तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं, कोई हार्ड नहीं है, ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे फ्रेंड्स, और आसानी से बनाइए। कम से कम मेरे को, मैं आपसे ये सजेस्ट करूँगा, इसे दो बनाइएगा, एक अगले आगे टायर में और एक पीछे लगा टायर में लगाइए, तो मस्त लगेगा बिल्कुल। यहाँ मैंने टेप ले लिया, PVC टेप भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने टेप यूज़ करी है क्योंकि ये अच्छा चिपकती है और ये जल्दी से छूटती नहीं है और बिल्कुल फिक्स रहती है, छुटती नहीं है आसानी से। तो इस तरीके से हमने तीनों जो बैटरी है फ्रेंड्स, उसे एक तरह कनेक्ट कर लिया है, और इस तरह की बिल्कुल ये बैटरी बन चुकी है 4.5 वोल्ट की, क्योंकि 1.5 का एक सेल होता है। तो यहाँ मैंने ग्लू स्टिक ली है, जो ग्लूगन होती है उसकी स्टिक जो होती है वो मैंने ली है कट करने के लिए। दोस्तों 2 या 3 इंच ही लीजिएगा, ज़्यादा लोगे आपको ले सकते हो, लेकिन उतना ब्राइट नहीं होगी, और अगर आप लोगे तो आपको जो उसके स्पोक होते हैं उस पर आपको ज़्यादा टेप लगानी पड़ेगी, ज़्यादा से चिपकानी पड़ेगी। तो मैंने सोल्डिंग आयरन से इसमें होल कर लिया है, अभी अंदर से थोड़ा अंदर से मेल्ट हो चुकी है, तो उसी एलईडी को कवर कर लेगी, पकड़ लेगी एलईडी को, तो आपको किसी भी और चीज़ चिपकाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए इस तरीके से बिल्कुल फिक्स हो चुका है, और मैंने इस पर टेप भी लगा दी है। तो फ्रेंड्स बहुत मस्त लगता है ये, मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो पूरी देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों एक पार्ट हमने निकाल दिया फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कहिए कि समर आप इसे थोड़ा और एडवांस बनाइए, मैं और एडवांस बना दूंगा। मैंने फ्रेंड्स इसलिए आसान बनाया कि आप भी इसे बना सको, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ बना देता हूँ वो आपसे नहीं बनती, आप मेरे प्ले लिस्ट में आकर देख सकते हो, मैं ऐसे ऐसे हार्ड चीज़ बनाता हूँ वो मुझे आसान लगती है, लेकिन दोस्तों आपको बहुत मुश्किल लगती है। तो ये मैंने आसान बनाया इसमारे कि आप इसे बना सको। तो दो मैंने पॉइंट अलग अलग निकाल लिए, एक सेल में से एक एलईडी में से, अब उन्हें टच करूँगा तो एलईडी वर्क करेगी। यहाँ चाहते मैं को स्विच लगा सकता था या ऐसा कर सकता था कि व्हील के साथ घूमे ये, लेकिन दोस्तों बता दूँ फिर वो आपको दिक्कत हो जाती है। लेकिन अगर आप चाहो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो कि समय बनाओ, तो मैं बना दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए दोस्तों इसे टेस्ट कर लेते हैं। ये मेरी अपाची बाइक है फ्रेंड, इसमें मैं टेस्ट करूँगा। तो इस तरीके में इसे लगाया है, और फ्रेंड्स बता दूँ कि इसके अंदर टेप आपको अच्छी तरीके से लगाने को नहीं, ऐसी उड़ेगी आपको पता भी चलेगा गई किधर, क्योंकि जिस टाइम आप स्पीड पर होगे ना तो इसे बिल्कुल फोर्स की पड़ेगी, इस पर फोर्स पड़ेगा तो ये निकल के जा सकती है। तो टेप ज़्यादा भी लगाने मतलब बस 2-4 इस पर लपेट दे देना तो अच्छे से काम करेगी। देखिए बिल्कुल फ्रेंड्स मज़ा आ गया रात को मुझे करने में इसमें, बहुत अच्छा लगा, सब पलट पलट के देखना चलाया। तो चले फ्रेंड्स मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप जुड़े रहिए समर एक्सपेरिमेंट से। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बाय बाय।